नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। प्रेम जाल में फंसी युवती, 5 साल तक युवक करता रहा दुष्कर्म, जाने क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म के मामले देखने को मिलते हैं। यूपी के बलिया जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ दुबहर क्षेत्र में एक युवक ने शादी का झांसा देकर 24 वर्षीय युवती के साथ लगातार 5 वर्षों तक बलात्कार किया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए दुबहर पुलिस अधिकारी ने राजेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर 5 साल तक दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने हिमांशु राजभर नामक युवक पर आरोप लगाया है कि वह शादी का वादा करके उसके साथ 5 साल तक सालों तक लगातार बलात्कार कर रहा था और पुलिस अधिकारी ने यह कहा है कि जबकि लड़की ने हिमांशु से शादी करने के लिए कहा तो उससे इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी हिमांशु ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने के मामले की भारतीय दंड संहित की धारा 376 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत गुरुवार की रात मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया गया है और शुक्रवार यानी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट की सुनवाई के बाद आरोपी हिमांशु को जेल भेज दिया गया है और उन्होंने बताया कि कानूनी कार्यवाही के बाद युवती चिकित्सकीय जांच के लिए बलिया जिला में सरकारी अस्पताल में भेज दिया भी गया है। इनकार करने के बाद आदिल ने किया राखी के साथ अपने निकाह को कबूल। दरअसल राखी सावंत ने अचानक ही आदिल खान के साथ अपनी शादी का खुलासा किया था और जिसके जानने के बाद हर कोई हैरान हो गया था, जिसके बाद से राखी खुलकर अपनी शादी को लेकर बात कर रही थी तो आदिल ने उससे इनकार कर दिया था। और हालांकि इसके बाद उन्होंने कुछ भी बोलने के लिए थोड़ा समय मांगा था। वही अब हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में आदिल ने राखी सावंत के साथ शादी की बात को मान लिया है और उनका कहना है कि अपने परिवार को मनाने के लिए वह कोशिश कर रहे थे। आदिल ने कहा कि मैं मेरे राखी शादीशुदा है और वह दोनों साथ में ही खुश है। परिवार को इस बारे में जानकारी है लेकिन वह अभी इसके लिए इनकार कर रहे हैं, राजी नहीं है और उन्हें मनाने के लिए मैं ही प्रयास कर रहा हूँ। हमने पहले मैं इस बात से इनकार कर रहा था लेकिन फिर मैंने देखा कि जहाँ राखी होती है वहाँ कंट्रोवर्सी तो होती ही है। ऐसे में मैंने सोचा कि जब मीडिया में इतनी बातें हो ही रही है तो शादी की बात को मान लेना ही ठीक होगा। वही जब आदिल ने ये सब बातचीत हो रही थी तो राखी भी उसके साथ थी। बता दें कि राखी सावंत और आदिल खान दुर्रानी से ने 7 महीने पहले ही पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली थी। और इतना ही नहीं, राखी ने अपना नाम भी बदलवा लिया था और फातिमा रख लिया था। हालांकि जब वह खबर मीडिया के सामने आई तो आदिल ने इनकार कर दिया था। ऐसे में राखी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और एक और एक्ट्रेस की मां कैंसर का इलाज चल रहा था और तो आदिल ने ऐसे करने की वजह समझ नहीं पा रही थी। हालांकि अब आदिल ने राखी के साथ निकाह कबूल कर लिया है। बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़े रणदीप हुड्डा। अभिनेता रणदीप हुड्डा एक अच्छे घोड़सवार भी है और खबर है कि हाल ही में वह हॉर्स राइडिंग करते हुए बेहोश हो गए थे और इसी दौरान गिरने की वजह से उन्होंने गंभीर चोट भी हो गई थी और इसी वजह से उन्होंने मुंबई को कोली कालेब अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट बताया गया था। लेकिन खबरों की माने तो फिर से घुटने पर चोट लगी है और उनकी वजह से उन्हें सर्जरी करना पड़ सकता है। और पिछले साल ही रणदीप हुड्डा एक्शन सीन करते हुए चोटिल हो गए थे और वह सलमान खान की फिल्म राधे की शूटिंग कर रहे थे और इस दौरान वह एक्शन सीन करते हुए उनके बाहिने पैर पर चोट लग गई थी और उससे घुटने भी सर्जरी करना पड़ी थी। और बहरहाल रणदीप हुड्डा की अगली फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर होगी, जिसके लिए वह तैयारियां कर रहे हैं। इसी फिल्म के लिए वह 22 किलो वजन भी घटा रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।